जैसा कि दोस्तों आपको ये खबर मिल ही गया होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी है, मंत्रा हो, मोर्फो हो, स्टार्टेक हो, L0 वर्जन था, वो अब एक्सपायर होने वाला है। 30 जून के बाद जितने भी L0 डिवाइसेस हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। इसके लिए हमने जो है मंत्रा का 110E1 डिवाइस लिया है जो हमारे पास अवेलेबल, और हमारे पास पहले से जो है मंत्रा का 100L0 डिवाइस ये है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने भी मंत्रा का 110L1 डिवाइस खरीदा है या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और इस नए वाला डिवाइस को किस प्रकार से हम अपने मोबाइल में सेटअप करते हैं और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है और इसको किस प्रकार से यूज करना है, ये सारा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये जो हमारा है, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा L1 डिवाइस है मंत्रा का, जो थोड़ा डार्क ब्लू कलर का, और साथ ही ये जो है हमारा L0 डिवाइस है वो भी मंत्रा का, ये जो है 30 जून के बाद एक्सपायर हो जाएगा L0 डिवाइस। इसमें सिर्फ डिफरेंस कलर का ही नहीं है, और भी इसमें डिफरेंस जो है बहुत सारा है जो कि हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसका इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके जो पहले वाला जो मंत्रा एप्लीकेशन था उससे जो है ये काम नहीं करेगा, इसके लिए जो है आपको नया एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आपको पूरा डिटेल। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और इस पे आपको सर्च करना है मंत्रा L1। इतना ही जब आप सर्च करते हैं इसका जो है इस प्रकार का जो है MFS110L1 RD सर्विस लिख के जो आ जाता है, आपको इसे जो है इंस्टॉल कर लेना है। ये मात्र लगभग 6 MB का एप्लीकेशन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इंस्टॉल होने में। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको जो है ओपन पर क्लिक करना है और इसका जो भी अलाउ करने के लिए बोल रहा है उसे आप अलाउ कर ले, और इसके बाद आ जाता है आपको इस प्रकार का जो है एक टाइप सी USB पोर्ट का। हमारे पास ये वही है और इसके बाद ये वाला भी है, ये जो हमें मिला है इस मंत्रा डिवाइस के साथ में ही मिला है। और यदि आप भी यदि खरीदते हैं तो यही वाला आप मंत्रा डिवाइस खरीदे ताकि साथ में आपको ये OTG केबल भी मिल सके। तो हम इसे अब मोबाइल में कनेक्ट करके आपको, इसके बाद आपका मोबाइल में जो OTG सेटिंग है उसको ऑन करना है। हमारे मोबाइल में ऊपर से खींचने पे आ जाता है, और बहुत सारा मोबाइल में आपको जो है सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलता है। तो जैसे आप मंत्रा डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से जो है एक पॉपअप ओपन होके आएगा, आपको इसे ओके करना है। अब थोड़ा सा समय लेगा, जब आपका डिवाइस कंप्लीट इस पे काम करने लगेगा तो यहाँ जो है इंटरनेट अवेलेबल, मैनेजमेंट सर्वर डिसेबल और डिवाइस कनेक्टेड, तीनों में जो है ग्रीन टिक लगा हुआ होगा। इसके बाद आपको जो है कोई भी एक APS को लॉगिन कर लेना है, आप जो भी APS का यूज करते हो। तो हमने एक APS को ओपन कर लिया है, उसको ID एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लिए हैं। इसके बाद हम APS का सेक्शन पे जाएंगे। APS में भी आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक मंत्रा का और मंत्रा 110 का। तो आपको जो है मंत्रा 110 पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है इसका यूज दिखाने के लिए आपको हम ये कर रहे हैं, देखिए जैसे हम स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें जो है लाइट नहीं आया है, यही इसका जो अपडेटेड वर्जन का जो है रूप है। जैसे कि देखिए यहाँ हम उंगली दे रहे हैं, जैसे उसका नजदीक ले जाएंगे उंगली तो ये लाइट आने लगेगा। और उस पर क्या था, जैसे कि हम यहाँ से स्कैन पे ओके किए तो ये बढ़ने लग जाता है लाइट। इससे थोड़ा सा कस्टमर को समझने में भी दिक्कत होता है कि पहले लाइट आएगा तो हम फिंगर रखेंगे। पहले वाला जो मंत्रा डिवाइस था उस पर जैसे इस प्रकार से स्कैन पे क्लिक किए, यहाँ पे जो है लाइट पहले से बढ़ने लगता था। इस पे जो है फिंगर जैसे आप रखते हैं तो कुछ सेकंड के
बाद ही जो है यहाँ पे फिलिश वेट लिखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार का जो पीक लगाया गया है कि पहले आपको यहीं से जो है सारा वेरीफाई हो जाने के बाद ही जो है आगे प्रोसेसिंग करता है। और पुराना वाला में जो था जैसे आप लगाए उसी प्रकार से प्रोसेसिंग होना शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो है मंत्रा को फिर से सजेस्ट इसलिए किया है क्योंकि इसका जो है सालाना चार्ज बहुत ही कम है, और मॉर्फो यदि आप लेते हैं तो उसका जो सालाना चार्ज है वो 450 रुपया प्लस है, और मंत्रा का जो है 118 रुपये ही सालाना चार्ज देने पड़ते हैं। तो हम सजेस्ट यही करेंगे, आप बेहतर तो है मंत्रा ही है क्योंकि इसमें चार्ज जो है हमारा कम ही लगते हैं। और इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप जब भी इसे खोल के दोबारा लगाते हैं ये जो पॉपअप है ये आपका बार बार आने लगता है। तो मंत्रा डिवाइस में खास बात ये भी है कि यदि आपका फिंगर थोड़ा सा काटा फटा रहे या थोड़ा सा गंदा भी रहे तो ये जो है सक्सेसफुली कैप्चर ले लेता है। तो हमने आपको इस वीडियो पर यही बताया कि आपको जो है मंत्रा L1 डिवाइस को यूज करने में क्या क्या नया देखने के लिए मिला और क्या क्या प्रॉब्लम आया और आपको क्या परेशानी आ सकता है, कस्टमर को क्या परेशानी आता है, यही सब आज के इस वीडियो में हमने बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।